नमस्ते व्यूवर्स, आज मैं यूनिक डिज़ाइन लेके आई हूँ ब्लाउज की। इस करवा चौथ पे ये ज़रूर बनाना और बहुत सुंदर लगेगा। प्रिंसेस कट जिसका भी हैवी चेस्ट हो उसका ऊपर आगे से उठता है, तो वो भी मैं आपको नया आइडिया बताऊंगी, उससे कभी नहीं उठेगा। और मैं ये 38 साइज का बना रही हूँ और इसकी लेंथ 14 है, तो मैं 15 ले रही हूँ, 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ। ये बैक साइड का पार्ट है और इसको हम बैक साइड से कंधा लेंगे इसका 6 इंच, क्योंकि डीप है तो 6 ही लेंगे और 6 ही हम आर्मोर लेंगे। और यहाँ से भी 6 है, ऐसे मेजरमेंट करके देख लेना है। पहले हम बैक साइड वाला कट करेंगे, फिर फ्रंट साइड वाला कट करेंगे। इसका कटिंग और सिलाई दोनों बताऊंगी मैं। यहाँ से मैंने 2.5 इंच लिया है और डीप मैं 10 इंच रख रही हूँ इसको। अब 10-11 रख सकते हो इसको। और अभी हम इसको यहाँ से और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, तो अभी हम 1/2 इंच से यहाँ से और निशान लगाऊंगी मैं। और यहाँ से मैंने आर्मोल की तरफ से भी कम किया है, तो यहाँ से मैंने 1/2 इंच कर दिया और यहाँ पे टोटल मैंने 1.5 इंच रखा है। और इस साइड से भी मैंने 1 इंच 1/2 इंच आप कर सकते हो, इसको मैंने बिल्कुल 1.5 इंच की पट्टी रखी है। और इससे आपका कंधा भी नहीं गिरेगा और ये बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। आप ये बीच वाली पट्टी जो जितना चाहो उतना रख सकते हो, कंधे वाली तो उसको आप ज़्यादा भी रख सकते हो, थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो। ये 14 इंच लंबाई है तो मैं इसमें 2 या 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा लोगे तो आगे से प्रिंसेस कट टूटेगा नहीं, बहुत अच्छा ब्लाउज बन के रेडी होगा। और सब यही बोलते हैं कि आगे से उठता है, तो ये इस तरीके से आप बनाओगे तो कभी नहीं उठेगा। और आगे से भी मैंने 6 ये कंधा 6 लिया है और आर्मोल भी 6 लिया है। और यहाँ से हम 3 इंच लेंगे आगे की गले की चौड़ाई, क्योंकि 1/2 इंच हम आई और हुक के लिए। और यहाँ से 9 इंच डीप ले रही हूँ। आप वी से बना रहे हो तो डीप ही लेना, 8.5-9.5, बहुत अच्छा लगता है डीप ये वी नेक में। राउंड में हम गोलाई देते हैं तो ज़्यादा खुलता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है और वी नेक बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे सीधा शेप देना है इसका वी नेक का। और इस पट्टी को भी हम पतली करेंगे, तो यहाँ पे हम 1 इंच पे लगाया, यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ से लिया और 1 इंच बाहर की तरफ से लिया। ये बहुत अच्छा ब्लाउज बन के रेडी होगा मेरा। इसका फिटिंग बहुत अच्छा आया है और पहनने के बाद ये सुंदर भी बहुत लगता है ब्लाउज, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और इस पट्टी को आप कम ज़्यादा भी रख सकते हो। और फिर हम इसका पॉइंट का निशान लगाएंगे। हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो मेरा पॉइंट है 10 इंच और यहाँ से मैं टोटल 4 लूँगी, 1/2 इंच आई हुक के लिए छोड़ दिया है। 4-4.25 आप ले सकते हो। और यहाँ पे 3.5 पे मैं लगा रही हूँ। और फिर यहाँ से हम 1.5-2 इंच लेंगे नीचे से और इसको ऐसे मिलाएंगे। और अभी हम यहाँ ये कट में मिला देंगे, जो ये कोना है इसमें मिला देंगे। और अभी हम गहरा कर लेंगे इसको। ये नीचे वाला जो मैंने निशान लगाया है इसमें बाद में हम सिलाई करेंगे तब भी मैं बताऊंगी इसको, तो ये इसका फिर फिटिंग बहुत अच्छा आएगा। और अभी हम इसी जो निशान लगाया था बाद में उसी के ऊपर हम कट कर लेंगे। पहले हम बैक साइड वाला कट कर रहे हैं, फिर हम फ्रंट साइड वाला कट करेंगे। आप इसमें डोरी भी लगाओगे और रोज वाला फ्लावर बनाओगे तो बहुत सुंदर लगेगी। और नहीं लगाना चाहते हो तो ये कंधा नहीं गिरेगा इसका। और अभी हम आगे वाला पार्ट कट करेंगे, जो हमने बाद में निशान लगाया उसी के ऊपर हम कट कर लेंगे।
और अभी हम आरमोल से कट करेंगे, ये यहाँ से प्रिंसेस कट वाला। ये बीच से हम इसमें कट लगा लेंगे। और अभी हम ये मैंने पट्टी भी कट करके रखी है गले की, गले को रख के फ्यूज पेपर पे कट कर लिया है। अभी हम बैक साइड वाला पार्ट रेडी कर लेंगे। तो अस्तर के ऊपर हम उल्टा रखेंगे इसको और फिर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अभी हम इस पर सीधा करके सिलाई लगा लेंगे। अभी हम इसको सीधा रखेंगे, पहले हम गले पे सिलाई लगाएंगे और फिर हम आरमोल पे सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से जमाते हुए लगाना है, कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और अभी हम आरमोल पे सिलाई लगाएंगे। अभी हम पीछे की तरफ आरमोल पे टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो मैंने 3 इंच पे लगाया नीचे से और ऊपर की तरफ हम 3.5-4 तक लगा सकते हैं। और फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा दबाएंगे हम। ये बैक साइड वाला पार्ट रेडी है हमारा। और अभी हम ये गले की पट्टी रेडी करेंगे। तो इसको ऐसे रखना है फ्यूज पेपर को और इसके ऊपर रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप आयरन से भी चिपका सकते हो, मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। आगे पीछे वाला दोनों भी ऐसे रेडी कर लेना है। गले को कपड़े के ऊपर रखना है, पीछे वाला गले को अटैच कर रहे हैं हम। और इसके पीस पेपर के किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे और इसमें बीच में एक कट लगाएंगे और फिर इसको फोल्ड करके ऐसे सीधा नीचे की तरफ पलट देंगे और बड़ी सिलाई करके हम लगाएंगे। फिर इस सिलाई को हम निकाल देंगे, तुरपाई करेंगे तब। और इसमें ज़्यादा कट नहीं लगाना है, बीचों बीच एक कट लगाना है ताकि धागा नहीं कटना चाहिए। और इसको हम साइड में रख देंगे। अभी हम आगे वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो अस्तर और कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, पहले गले पे लगाएंगे हम और फिर ये साइड से ऐसे जॉइंट करेंगे इसको। तो इसको ऐसे रखना है अस्तर और कपड़े को और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और नीचे से भी थोड़ा और ज़्यादा दबा लेना ताकि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी चेस्ट से। थोड़ा मैंने ज़्यादा दबाया है और डबल सिलाई लगाया है और नीचे से जो ज़्यादा दबा ज़्यादा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। और ऐसे ही हम दूसरी साइड लगाएंगे। ये आरमोल पे सिलाई लगा रही हूँ मैं, ऐसे ही से हम दूसरी साइड रेडी कर लेंगे। अभी हम आई और हुक की पट्टी रेडी करेंगे। तो यहाँ से जितना भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा गले के नीचे की तरफ उसी को दबाना है और फिर इस पर ऐसे सिलाई लगा के इसको नीचे की तरफ पलट के इसमें सिलाई लगा लेंगे। और दूसरी तरफ भी हम इसकी पट्टी लगा लेंगे। इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। ये देखो बराबर आया है। और फिर नीचे से जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम गले को अटैच करेंगे, पट्टी को अटैच करेंगे गले के ऊपर। तो इस पर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे और दोनों को ऐसे कर लेंगे। और इसमें एक दो कट लगा के और इसको पलट के नीचे की तरफ कर देंगे। बड़ी सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर भी। फिर इस पर तुरपाई करके हम निकाल लेंगे। दोनों को ऐसे रखना है, दोनों पार्ट को। और थोड़ा सा हम आरमोल से कट करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और फिर बैक साइड वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है।
और इससे जो साइड वाला है, इससे जहाँ से हम फिटिंग लगाएंगे वहाँ से हमें बराबर रखना है, और थोड़ा सा हमें मार्जिन रखना है इसमें। ये पीछे वाला तो तैयार किया हुआ है नीचे से, ये आगे वाले को यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। और फिर यहाँ से भी हम ज़्यादा लेंगे, तिरछा ले लेंगे, चेस्ट के बराबर आ रहा है वहाँ तक हम तिरछा ले लेंगे, और आगे से फिर बीच से हम ज़्यादा कट कर लेंगे। तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। आप इस तरह से प्रिंसेस कट बनाओगे, तो मैंने ज़्यादा लिया है, देखो 1.5 इंच ज़्यादा है ये। और अभी हम इस पे नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और फिर इसको मोड़ के हम फोल्ड करके, और इसके ऊपर हम पतली सी रखेंगे, ज़्यादा फोल्ड चौड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है तो ऊपर वाला मुँह चौड़ा ज़्यादा रहता है, नीचे वाला पतला रहता है, इसीलिए पतला करेंगे तो ये सही फिनिशिंग आएगी। और बड़ी सिलाई करके लगाएंगे, बाद में हम तुरपाई करके इसको निकालेंगे। ये आगे वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अभी हम ये ऊपर से कंधे का ये जॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे हम अच्छे से, इसको लॉक कर लेंगे यहाँ से, दूसरी साइड भी लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने तिरछी पट्टी कट करके लिए आर्म होल पे लगाएंगे, और हल्का वसा खींचते हुए लगाना है, ऐसे दोनों में लगा लेना है। और अभी हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, पतली सी इसकी पट्टी रखेंगे, बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। और अभी हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे पहले हम चेस्ट का लगा लेंगे, मैं 9.5 पे लगा रही हूँ 38 ए को, और फिर कमर का लगा लेंगे, 28 है कमर, तो 7 इंच पे लगा रही हूँ, आर्म होल का लगा लेंगे। दूसरी साइड भी ऐसे ही लगा लेंगे। इसकी फिटिंग मैंने लगा दिए हैं, ये ब्लाउज मैंने रेडी कर लिया है, और देखो कितना अच्छा ब्लाउज बनके रेडी हुआ है। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, इसमें हम तुरपाई कर लेंगे, और ये देखो आगे का लुक कितना अच्छा लग रहा है, वाह, ये बैक साइड का। थैंक यू।